नमस्कार। आज मैं आपके सामने स्वतंत्रता के ऊपर कुछ विचार लेके आया हूँ। वर्तमान में कितना सार्थक है और कितना कुछ है उसमें, चलिए। स्वतंत्रता, आज युग में अपने भारतवर्ष की मैं स्वतंत्रता आंक रहा हूँ। चिंतन में डूबा हूँ, मन में विचारों का सैलाब है। सूरमाओं के बलिदानों की, महात्माओं के सुविचारों की, तिरंगे में भरे रंगों की मैं यथार्थ में सार्थकता खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। विघ्न बहुत हैं, चाहतों में अटकलें, राहों में रोड़े बहुत हैं। पहले दुश्मनों की सूरत दिख जाया करती थी, फौलाद सा सीना लिए हमारी फौज अड़ जाया करती थी, पर स्वतंत्रता को अब एक बार फिर खतरा है। जंजीरों में जकड़ने वाला ही शायद अब अपना वतन है। इस बार का दुश्मन मानव नहीं बल्कि उसकी धारणा है। गर्दिशों में लगता है आन और बान है, सरहदों के अंदर ही अब उनका बसेरा है। कैसे पार लगेगी नैया विकास के वृक्ष पर बैठा हुआ। धर्मांधता, कट्टरता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, बेरोजगारी रूपी सुसज्जित वो कागा है। मैं चल रहा हूँ, मैं बढ़ भी रहा हूँ, पर भटका भटका सा पथभ्रष्ट स्वतंत्रता का वो रथ है, जो पाई सरहदों पर वर्षों पहले उसे गवा रहे हैं हम। आज किसी और बहाने, परंतु अब भी वक्त है। चलो मैं फिर ललकार रहा हूँ, चलो फिर मैं फिर ललकार रहा हूँ, आह्वान कर जनमानस का, नूतन पीढ़ी को झकझोर रहा हूँ। आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर मिलकर प्रण कर लेते हैं। कुर्बानियों की सौगात मिली है, हम सब मिलकर इसका मान रख लेते हैं। विश्व में लहराए तिरंगा अपना, ऐसा अब कुछ काम कर लेते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्र हैं हम, स्वतंत्र हैं हम। अंतिम 5 पंक्तियां। स्वतंत्र हैं हम, स्वतंत्रता के बलिदानियों की लाज की माला जप लेते हैं। व्यर्थ न जाने देंगे इसे, आओ मिलकर अब हम ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। धन्यवाद।